हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार सैनी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई कैंपस पर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने कल आपको जो है घड़ी का चैप्टर कराया था, जिसमें से जो है मैंने आपको घड़ी में जो है तीन टाइप करा दिए थे। तो ठीक है, तो एक मिनट घड़ी के बारे में सुन लो। घड़ी है क्या? घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो हमें समय की माप को दर्शाता है। ठीक है, घड़ी के चार भाग होते हैं, घड़ी के चार भाग होते हैं। नंबर एक डायल होता है, नंबर दो घंटे की सुई, नंबर तीन मिनट की सुई, नंबर चार सेकंड की सुई। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो घंटे उसकी सेकंड वाली जो सुई है उसका जो है हमारे सिलेबस में रोल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो हमारी डायल होती है ये एक वर्गाकार वृत्ताकार की आकार की घड़ी होती है, जिसके तृतीय एक भाग पाँच बराबर भागों में बटा होता है। ठीक है, घंटे की सुई जो होती है, घंटे की सुई जो है मिनट वाली सुई से थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई जो है थोड़ी सी बड़ी होती है घंटे की सुई से। ठीक है, और थोड़ी तेज गति से चलती है घंटे वाली सुई से। ठीक है दोस्तों, अब जो मैं आपको पहले बता दें कि सेकेंड की सुई हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था घंटे की सुई के बारे में। ठीक है, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई मतलब प्रत्येक भाग जो एंगल होता है हमारा ये, ठीक है, ये 12 6। ठीक है, तो प्रत्येक भाग जो होता है ये वाला, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो घंटे की सुई जो होती है 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे बराबर 360। ठीक है, तो 12 के 36 मतलब 30 आएगा, एक घंटा बराबर 30 आएगा। ठीक है, और मिनट में कर सकते हैं, मिनट में पूछता, तो एक घंटे में कितने मिनट होती है? एक मिनट बराबर 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। ठीक है, अब हमारा 1 मिनट बराबर 60 मिनट हो गया। अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ 1 मिनट बराबर 60, तो ठीक है, तो ठीक है 30 अपॉन 60 मिनट। ठीक है, अभी से बात 30 अपॉन 30 60, मतलब जो हमारे घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1.2 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। जिस किसी व्यक्ति को अगर देखना हो तो मैंने लिंक भेज दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। हमने घंटे की सुई की बात कर ली, अब जो हम मिनट की सुई की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों मिनट की सुई की बात करते हैं, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई जो है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मिनट की सुई जो है 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर 60। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा एंगल कितने उसका होता है, मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड भाग दे दो तो हमारा ये मीटर का आया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का एंगल मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मिनट के सुन के बारे में आपको बता दिया और घंटे के सुन के बारे में बता दिया। अब जस्ट देख लो कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कोण पर आधारित प्रश्न का जो मैं आपको सूत्र बता रहा था और उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन कराया था उनको मिनट पहले, लेकिन क्वेश्चन देख लो पहले, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हमारी मीटिंग में दिक्कत कर गया है। घंटे की सुई पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, घंटे की सुई जो है हमारी 1.2 एंगल का कोण बनाती है, मतलब 1.2 चलती है। तो घंटे की सुई, जैसे कि अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि ये घड़ी 12 बजे से चलकर
1:10 तक कितने डिग्री तक घूम जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा 12 बजे से 1:10 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन गया, तो आपको कुछ नहीं करना, ये घंटे की सुई के बारे की बात कर रहा है, घंटे की सुई के बारे में, तो कुछ नहीं, तो 1 घंटा 10 मिनट यहाँ लिखना है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कितने मिनट हो चुके हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 1 घंटे में कितने मिनट, 60, 10 ये तो 70 मिनट हो गए। ठीक है, 70 को मैंने बताया था कि जो हमारी घंटे की सुई है वो 1 मिनट 1 मिनट 2 एंगल बनाती है हमारा, तो कितना हो गया 33 डिग्री का हमारा वो घूम जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मिनट की सुई का 25%, ये एक एक क्वेश्चन जो है। ठीक है दोस्तों, अब देख लो अगला क्वेश्चन जो है बहुत दमदार क्वेश्चन होगा, मिनट की सुई का 25%। ठीक है, तो मिनट की सुई जो है हमारी 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 6 डिग्री का, जैसे कि आप देख सकते हैं, मिनट की सुई पर भी ये रोलर कोई घड़ी 3 बजे से चलकर 5:45 तक कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ठीक है, 3 बजे से चलकर, तो 3 से 4, 5 कितने घंटे हो गए, 2 घंटे 45 मिनट हो गए। कैसे 3 बजे से चली, 3 से 4 चली होगी, 5 चली होगी। ठीक है, तो अब इनमें मिनट में कन्वर्ट कर लो, मिनट में, तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए, 120। ठीक है, वैसे कर लो इसे 120 प्लस 45। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मिनट है, अभी मैं जोड़ो क्योंकि कितना आएगा। ठीक है, अगर इसमें जोड़ो क्योंकि देखो 5 आ गया, 4 6 आ गया, 165 आ गया, 165 की 600 गुना कर लो, क्यों कर रहा हूँ 600 गुना, जो हमारी 1 मिनट में जो सुई चलती है मिनट वाली, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है दोस्तों, देख लो इसमें करना क्या है, 6 5 30 का जीरो हाथ लगे 3 6 36 6 36 36 3 39 45 का 9 हाथ लगे 3 और 6 6 6 3 9। ठीक है दोस्तों, ये क्या आएगा हमारा 990। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कोण पर आधारित प्रश्न, तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, अगर किसी भी नोट डाउन करना हो तो कर सकता है। ठीक है, और हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों, 2-4 लाइक भी करें। बहुत दमदार क्वेश्चन चल रहा है, और हम अगले टाइप की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको अगला टाइप बता दूँ, कोण पर आधारित प्रश्न, तो अगला टाइप क्या है हमारा, कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित, क्या, अरे यार नहीं बोल रहा, जैसे कि देखो दोस्तों, कोण पर आधारित जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, इसका सूत्र देख लो, एक मिनट, सूत्र है क्या? ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र क्या है, कोण पर आधारित प्रश्न का, कुछ नहीं करना आपको, 30 गुणा h, जिसे दोस्तों अंतर बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ 11/2 और गुणा में ये होता है हमारा मिनट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र है। ठीक है दोस्तों, कोण पर आधारित प्रश्न का ये सूत्र है, 30 गुणा h अंतर 11/2। ठीक है दोस्तों, गुणा मिनट, अब आपको देख लो 11/2 कहाँ से आया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल चलती है, वो जो हमारी, चलो पहले घंटे वाली सुई लगा लो, घंटे वाली जो सुई है जो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलती है, 6 डिग्री का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और हमारे जो घंटे की सुई है, ये तो हमारी घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई जो है ये हमारी 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा घंटे की सुई पर। ठीक है, और बात करें हम मिनट की सुई कितनी चलती है। ठीक है दोस्तों, मिनट की सुई, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मिनट की सुई जो होती है हमारी, ये चलती है 1/2। ठीक है, 1/2 दोस्तों, 6 चलती है, 1/2 चलती है।
कौन लिखने में मुश्किल भाई वो भी हो रहा है कहाँ लिखा घंटे कितनी एक बटा दो चलती है ठीक है एक बटा दो चलती है तो आपको कुछ नहीं करना मिनट की सुई कितनी चल रही है छः ठीक है कितने से चल रही है एक बटा दो सौ तो आपको कुछ नहीं करना पाँच दुनी वो छः दुनी बारह बारह में से एक गया ग्यारह बटे दो तो ठीक है दोस्तों ग्यारह बटे दो हमारा यहाँ से आया जैसे कि एक बार देख लो ये हमारा ग्यारह बटे दो कहाँ से आता है कोण पर आए प्रश्न पर ठीक है दोस्तों देख लो ग्यारह बटे दो कहाँ से आया तो ग्यारह बटे दो देखो हमारी घंटे की सुई एक मिनट में एक बटा दो चलती है और ये मिनट वाली जो सुई हमारी ये चलती है छः ठीक है छः डिग्री का तो कुछ नहीं करना दोस्तों आपको जो है छः दुनी बारह माइनस वन बारह में से एक हटाओ ग्यारह बटे दो दोस्तों ग्यारह बटे दो यहाँ से निकल कर आया ठीक है अब देख लो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूँ अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत दमदार क्वेश्चन होगा इसमें का ठीक है दोस्तों अगर किसी को लड़की को लिखी हुआ अगर नोट डाउन करना है दोस्तों तो नोट डाउन कर सकता है ठीक है मैं अंकित कुमार से नहीं अगर दोस्तों किसी का भी क्वेश्चन कोई भी हो कॉम्पिटिशन एग्जाम का मैथ रीजनिंग का ठीक है दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 750-509-86-88 पर कॉल कर सकते हैं ठीक है दोस्तों जैसे कि मैं आपको कौन पर आधारित प्रश्न का जो क्वेश्चन कराता हूँ आप देख लो कितने दमदार क्वेश्चन है इसमें ठीक है अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो कर लो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि 7:30 पर दोनों सुई मिनट की सुई घंटे की सुई ठीक है दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी ठीक है दोस्तों क्वेश्चन ये है 7:30 बोला है उसने 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी घंटे की सुई और मिनट की सुई ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना 30 गुणा एच मतलब एच का मतलब है घंटे घंटे कितने हैं 7 ठीक है अंतर 11 बटे 2 ठीक है गुणा मिनट कितनी है हमारी 30 ठीक है कुछ नहीं करना 2 से 15 बार काट लो ठीक है 11 की 15 गुणा कर लोगे तो ऐसा कर लो 11 5 55 55 5 हाँ से लगे 5 11 कम 11 11 यार 5 सोलह मतलब 165 आ गया ठीक है दोस्तों अब देखो 165 तो हमारा ये है ठीक है 165 अंतर ठीक है दोस्तों अब 7 + 21 = 210 ठीक है दोस्तों अब 210 आएगा इसमें से ये घटा दो कितना 210 में से ये घटाओ कितना होएगा तो कुछ नहीं करना आपको करना क्या है देखो 10 में से 5 रहे 5 ठीक है 10 में से 5 रहे 5 में क्या हो जा ये कितना हो गया 11 था ना तो यहाँ तो 10 में से 6 गए 4 ठीक है दोस्तों तो हमारा ये है 45 हो जाएगा 45 डिग्री से जो है हमारी घंटे की सुई और मिनट की सुई का जो एंगल होगा वो ये होगा इनका अंतर ठीक है 45 ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ आ रहा होगा तो देख लो दोस्तों इसमें आने क्वेश्चन दे दूंगा सीजीएल तक क्वेश्चन जो है कवर करेगा बहुत दमदार क्वेश्चन है इसमें अभी थोड़ा नॉर्मली चल रहा है देखो आगे कैसा होता है जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कौन पर आधारित प्रश्न दो सुई एक घंटे की सुई एक मिनट की सुई ठीक है तो क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा मतलब ये कह रहा है मिनट की सुई के बाद और घंटे की सुई के बाद ठीक है तो सूत्र मैंने आपको बता दिया था इसका 30 × h अंतर 11/2 गुणा मिनट ठीक है तो ये हमारा सूत्र है ठीक है जैसे कि आप देख लो इसे करना क्या है तो बात कर रहा है 5:10 कर रहा है 5:10 की ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है तो देख लो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखो ये हमारा क्या है
घंटे, तो देखो 30 गुणा कितने घंटे हैं 5, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 11/2 और गुणा में कितना है 10, मतलब 10 का आता है ये मिनट है हमारी, ठीक है। इसे काट लो, 2 से 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 5 छक्का 5 या 15 मतलब 150, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये क्वेश्चन है, मतलब हमारा क्वेश्चन ये बचा है 150 में से अगर तुम 55 हटाओ कितना बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, आपको ये हमारा 95 लगेगा, ठीक है दोस्तों। हो रही, ठीक है, ये घटा भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो लड़के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके ये ध्यान रखें कि लॉकडाउन में जो है अपना रेगुलरिटी अपनाए रखें, कोई भी चीज़ जो है एकदम से कवर नहीं हो पाती। तुम सोच रहे हो कि वैकेंसी आती जो है कॉन्स्टेबल की एकदम से जो है सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, कृपया ऐसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें और कमेंट में बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो सीबीएल 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन यह है दोस्तों, एक स्ट्रीट घड़ी पर सुबह 8 बजे समय नज़र आता है, कितना सुबह 8 बजे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बीच में डाल दिया गया है, जैसे मिनट की सुनकर आधारित क्वेश्चन देख लो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको कौन पर आधारित क्वेश्चन ये करा दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है ये पता नहीं बीच में से जो है बुक में आ गया है, इसे देख लो एक मिनट। क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखो क्वेश्चन सुन लो, एक स्ट्रीक घड़ी पर सुबह 8 बजे समय देखा गया था, एक स्ट्रीक घड़ी पर सुबह 8 बजे समय देखा गया था, ठीक है दोस्तों। सुबह 8 बजे समय देखा गया था नजर आता है, और दोपहर दो बजे का समय आएगा तो घंटे की सुई कितनी डिग्री से घूम जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, अच्छा ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सुबह 8 बजे से जब घंटे की सुई घूमेगी तो 2 बजे कितने इंजन घूमेगी, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है दोस्तों। ये डिग्री घूमेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन एक बार शुरू से समझ लो, एक स्ट्रीट घड़ी पर सुबह 8 बजे समय नज़र आता है, दोपहर को 2 बजे का समय आएगा तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। दोपहर, अच्छा दोपहर की बात करिए इसमें, दोपहर 2 बजे दोपहर का समय आएगा तो, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, आपको पहले कुछ नहीं करना, पहले तो मिनट बनी होंगी ना, ठीक है दोस्तों। पहले जो है हमारी, पहले हमारा ऐसा होगा, पहले घंटा थोड़ी बना होगा, पहले मिनट बना होगा, तो पहले इसे मिनट बनाओ चलाओ 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में कितनी मिनट होती है 7, ठीक है गुणा। तो 1 मिनट बराबर, मैंने ऐसे आपको बताया था 1 मिनट का जो एंगल होता है हमारा वो 6 डिग्री चलती है, 6 डिग्री, तो 6 गुणा 6 मतलब 360 हो गया, ठीक है दोस्तों। 360 हो गया, 360 डिग्री हो गया, लेकिन उसने कहा घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ, घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो घंटे की सुई अब 360 डिग्री चल रहा है, ठीक है 360 डिग्री चल रहा है, और घंटे की सुई जो हमारी चलती है वो 1/2 चलती है, कितनी चलती है 1/2 घंटे की सुई 200 जब इसे काटोगे 218 बार मतलब 180 बार जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, बहुत दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखो लॉजिकली बात क्या पूछ रही थी, देखो एक घड़ी है जिसमें हमने सुबह 8 बजे का समय देखा था, ठीक है दोस्तों। 8 बजे का समय देखने के बाद दोपहर जब हमने समय देखा तो 2 बज गए थे, तो वो कह रहा है कि जब 2 बजे होंगे, मतलब 8 बजे से 2 बजे होंगे, तो पहले तो मिनट आई होंगी तभी तो घंटा बना होगा, तो पहले हमें जो है मिनट में कन्वर्ट करा, ठीक है मिनट का निकाला। उसके बाद पूछा था घंटे का जो सुई है, घंटे की सुई है वो कितने डिग्री के एंगल से घूमेगी, इसमें ये बात कही गई थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ आ रहा होगा। जैसे कि अगले टाइप की बात करते हैं, बहुत दमदार क्वेश्चन है, तो जिसे लड़की को या लड़की को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही दमदार वीडियो आपको हर रेगुलर मिले करेंगे, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों अगला टाइप ये है दर्पण पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अगला टाइप जो है हमारा अगला टाइप क्या आ रहा है दर्पण। दर्पण जो होता है मतलब शीशा, ठीक है दोस्तों। उस पर आधारित प्रश्न है, जैसे कि आप देख लो बहुत दमदार क्वेश्चन है। तो अगला जो हमारा टाइप होगा दोस्तों, जो अगला हमारा टाइप है टाइप नंबर, ये हमारा पांच है, जिसमें टाइप नंबर पांच में ये कहा गया है दर्पण पर, दर्पण दर्पण पर आधारित आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। दर्पण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो दर्पण पर आधारित प्रश्न में दोस्तों दो मिनट के लिए बात सुन लो, दर्पण क्या है, दर्पण क्या है, दर्पण में क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं ओरली आपको बताना चाहूँगा तो कैसे इजी हैं, तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन सुन लो दर्पण है क्या। दर्पण जो है हमारा ऐसा होता है, शीशा होता है ना, उसे दर्पण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सुन लो इसमें करना क्या, अगर हम जैसे शीशे में अगर समय देखते हैं, जैसे हमारी घड़ी है, जैसे अगर हम शीशे में देखेंगे तो हमें समय कुछ और दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो बस हमें वही समय मतलब निकालना है, कवर करना है कैसे क्या आ रहा है। जैसे कि आपको बता दूँ, अगर देखो 11 बजे का समय मध्य में हो, ठीक है, मतलब 11 से अगर अगर 12 बज गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है 23:60 में से घटाना है, ठीक है दोस्तों। अगर देखो अगर 11 से ऐसा मतलब 10 से अगर 5 10 से अगर इतने मिनट के ऊपर 10 ऐसा मान लो कि अगर 11 भी बज रहे हैं, पर मतलब 11 बजे से कम कम का समय हो, 10:50 ले लो, 10:20 ले लो, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है 11:60 में से घटाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है इसका, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी चैप्टर जो है 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, कहे वो मैथ का हो कहे वो रीजनिंग का हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जो है वीडियो नहीं मिल पाई, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये बोला गया है, दर्पण में दिखाई गई घड़ी, दर्पण में दिखाई गई घड़ी 3:15 बजे, 3:15 बजे का मतलब है 3:15, ठीक है दोस्तों। तो हमारे दर्पण में मतलब शीशे को मैंने आपको बता दिया था कि शीशे में जो है, जब मैंने आपको बताया था हम शीशे में समय देखते हैं तो वो हमें उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। तो दर्पण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दर्पण में मैंने आपको बताया था 3:15 की बात कर रहा हूँ, मतलब 3:15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3:15। तो हम जब इसमें समय देखने हैं घड़ी में तो हमें कितना समय दिखाई देगा, तो आप खुद भी देख सकते हैं, मतलब 11 बजे से कम, 11 बजे से कम कम टाइम का समय है, तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने जैसे कि आपको बताया था 11 बजे से समय का कम है, हमें 11:60 में से घटाना है, क्यों हटा रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया है, क्यों दर्पण में जब हम वस्तु देखते हैं तो हमें उल्टी दिखाई देती है, ठीक है। उसका पूरा एंगल निकालने के बाद जब ये हम घटा रहे हैं, ठीक है, क्या घटाना है 3:15, 3:15 है ना, ये घटा लो 60 में से 15 गए 45 बजेगा, कैसे 10 में से 5 में से गया 4, ठीक है। अब देखो 11 में से 3 गए कितना बचा 8, मतलब अगर देखो अगर हम दर्पण में देखेंगे ना, जो समय हमें 3:15 बजे दिखा रहा था, वो समय अगर हम दर्पण में देखते हैं तो वो 8:45 का समय दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपसे समझ आ रहा होगा। आप देख लो अगर क्वेश्चन में और भी कुछ अगर कहा गया हो, ऐसा मान लो कि कोई और समय दे दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब 9:20 भी हो सकता है, कुछ भी मैं रख लो, अगर 9:20 दिया हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, 11:60 में से 9:20 घटाना है, तो ये हमारा 40 बचेगा, ठीक है दोस्तों। ये दो मतलब 2:40 का समय आएगा हमारा ओवरली, ठीक है। अगर मतलब ये तो हो गई हमारे 11 बजे से कम की टाइम की बात, अगर 11 बजे के बाद आया जैसे तो मान लो कि कुछ भी रख लो, जैसे कि क्या बताऊँ आपको 2:15 रख लो, ठीक है, 2:15, तो ये हमारे 12 हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 23:60 में से घटाना है, क्या घटाना है 23:60 में से, ठीक है दोस्तों। बहुत मोस्ट क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन 100% आता है इसमें से, तो देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। 23:60 में से घटाना है, इसमें से एक घटाओगे 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और देख लो ये 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 2 का 2 मतलब ये दिखाई देगा 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 21:45 का मतलब क्या है 9:45 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको दिखाई देगा,
आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ आ रहा होगा। दोस्तों कोई भी चैप्टर दो दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख लो अगला क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन होगा। तो मैंने आपको बता दिया है अगर दर्पण में कोई भी अगर समय दिखा रहा है, अगर 11 बजे से कम का समय हो तो हमें 11:60 में से घटाना है। अगर समय जो है अगर 12 से कूद गया तो हमें क्या करना है, 23:60 में से घटाना है। 23:60 का मतलब भी 12 बजे होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं आपको बता दूँ बहुत दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन में ये कहा गया है अगर 11:20 आया है, 10 मिनट आया है, 5 मिनट आया है, तो मैं 11 बजे के बाद अगर होगा समय तो वो हमें यह करना है 23:60 बजे घटाना है। अगर 11:05 का समय अगर हमें दर्पण में दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों, 11:05 का समय अगर दर्पण में दिखाया गया है तो मैंने आपको बताया था अगर 11 बजे से अगर ज़्यादा का समय हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना 23:60 में से ही घटाना है, ठीक है। तो 23:60 बजे घटा लो, 23:60 में से घटाना है, क्या घटाना है, 05:11, ठीक है। अब ये घटा लो, 55 तो हमारा ये बचा, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 5 का 5, 55 आ गया, 3 में से 1 गया 1, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, मतलब 12:55 का समय होगा हमारा, ठीक है। 12:55 का समय होगा, ये हमारा एकदम कन्फर्म आंसर होगा दर्पण में अगर हम समय देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर देखो जैसे कि मैं आपको बता दूँ हमारा उसमें जो बात करी थी उद्वादर प्रतियोग, मतलब उद्वादर प्रतियोग, उद्वादर जो होता है हमारा ये होता है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों जल प्रतियोग जो होता है हमारा, जल प्रतियोग ये होता है, ठीक है। जल प्रतियोग में हमारा क्या होता है, ये हमारा जल प्रतियोग होता है, ठीक है, और ये हमारा उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ आ रहा होगा। तो अगले टाइप की बात करते हैं, जैसे कि मैं दिखाऊँ अगला टाइप बहुत दमदार टाइप है। दोस्तों देख लो अगला टाइप क्या है, अगला टाइप जो है हमारा, अगला टाइप है दोस्तों हमारा क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज में देखो जा आ गया है, क्षैतिज दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो क्या है क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण होता है क्वेश्चन में, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा हो जाए क्षैतिज दर्पण क्या है तो आपको कुछ नहीं करना। क्षैतिज दर्पण वो होता है जो जल में समान वस्तु दिखाई दे सकती है, मतलब उल्टा सापेक्ष, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें क्षैतिज में अगर पहचान रखना है क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज में जा रहा है गैस, तो ये हमारा क्या है, ये जल प्रतिबिंब है, ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। अब देख लो क्षैतिज में जो है क्या होता है, ठीक है दोस्तों, क्षैतिज में देखो दोस्तों आप क्या है, मैं जैसे कि आपको बता दूँ क्षैतिज दर्पण में आपको कल कराऊंगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लो क्षैतिज दर्पण में जो मैं आपको एक कल टाइप कराऊंगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ आ रहा होगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बताइएगा आपको कौन चैप्टर समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो हमारे यूट्यूब चैनल देखिए कैंपस पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 550-509-88 पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू।